मनावर विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद रंजना बघेल ने बागी रुख अपनाते हुए आज भाजपा व निर्दलीय रूप से दो नामांकन पत्र जमा किए। इस दौरान पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने मेला मैदान से शक्ति प्रदर्शन करते हुए मनावर नगर के प्रमुख मार्गों से समर्थकों के साथ विशाल रैली निकालकर निर्वाचन कार्यालय मनावर में अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान पूर्व मंत्री आदिवासी नेत्री रंजना बघेल ने भाजपा के बैनर तले आज निर्वाचन कार्यालय में भाजपा व निर्दलीय रूप से दो नामांकन पत्र जमा किए हैं। पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने मनावर विधानसभा सीट से टिकट मांगा था। इस दौरान भाजपा में शिवराम गोपाल कन्नौज को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके बाद पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने पार्टी और इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर निशाना साधा था। आज नामांकन पत्र जमा करने के दौरान रैली में उनके हजारों समर्थक रंजना बघेल के पक्ष में नारेबाजी करते चल रहे थे। नामांकन दाखिल करने के पूर्व मीडिया से चर्चा में भाजपा पर उन्होंने जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि अगर शिवराम कन्नौज का टिकट बदल उन्हें नहीं दिया तो वो निर्दलीय लड़ेंगी। इंदौरी नेताओं ने यहाँ बिच्छू पैदा किए हैं। उन्होंने भाजपा द्वारा कई हारे हुए वरिष्ठ नेताओं को फिर से टिकट दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए फिर से उनके आदिवासी होने के नाते टिकट काटने और दोहरापन अपनाने की बात कही। साथ ही कहा कि मैंने क्षेत्र में 30 सालों से भाजपा को मजबूत किया है, जनपद से लेकर नगरपालिका तक बनाई, जैस के लोगों से भाजपा के लिए लड़ती रही। अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता भाजपा छोड़ेंगे। उन मुट्ठी भर लोगों पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई नहीं की जिन्होंने निर्दलीय खड़ा किया था, पार्टी विरुद्ध काम किया, उन्हें टिकट दिया गया। मैंने कीचड़ में कमल खिलाने का काम किया, जैस कांग्रेस तोड़ हर जगह कार्यकर्ता खड़े किए, विकास का काम किया, जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया उनको टिकट दिया। मुझे टिकट नहीं दिया गया यहाँ से भाजपा नहीं जीत पाएगी, यह मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। देखिए, मैं नामांकन फार्म भर रही हूँ, वो दो प्रकार का भर रही हूँ। एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी से और एक निर्दलीय फार्म, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों से मैंने हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करा था कि हर बूथ का कार्यकर्ता पूरा संगठन मेरे समर्थन में है, और इस ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है, यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत की है। और यहाँ वो लोग जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी संगठन के अलग रह के विरोध कर रहा था, सन 2013 में निर्दलीय खड़े कर रहे थे, सन 2018 में कांग्रेस को इन लोगों ने वोट दिलाया था, ऐसे मुट्ठी भर लोगों के समर्थन में मेरा समर्थन के कारण दूसरे को टिकट मिला और मेरा टिकट काटा है। अब कह रहे 40,000 से हारी, मध्य प्रदेश की 47 सीटों में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी, जयस ने भ्रामक प्रचार करा था, और बालकृष्ण जी 44,000 से हारे पाटीदार, उनको खरगोन से टिकट दे दिया, अर्चना चिट्टीस को दे दिया, नागर को दे दिया, सबको रिपीट किया, एकमात्र मेरा काटा। और जो इंदौरी नेता है वो आदिवासी क्षेत्र में मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सीनियर लीडर हूँ, 30 साल से काम कर रही हूँ, तो आदिवासी क्षेत्र की सीटों के बारे में मुझसे भी राय लेना चाहिए। इंदौरी नेता यहाँ बिच्छू पैदा करते हैं और वो मेरा टिकट कैसे कटे उसका प्रयास करते, कभी भी ट्राइबल नेताओं को ऊपर लाने का प्रयास ऊपर आता है तो उसे डचकनी देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज मैंने बूथ लेवल का कार्यकर्ता, आज करीब 9,000 मोटरसाइकिल आई है और करीब 80-85 फोर व्हीलर आई है, और वर्चस्व वाला कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, हर गांव का कार्यकर्ता और 75% ट्राइबल कार्यकर्ता आज मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हीरालाल अलावा जीते, इसलिए उन्होंने मुझसे फार्म भरा है। मैं पार्टी से निवेदन करूंगी कि टिकट बदला जाए, टिकट मुझे भारतीय जनता पार्टी से करे, क्योंकि ये परंपरागत कांग्रेसी सीट
जहाँ पे कीचड़ में कमल खिलाने का काम मैंने किया है, विकास करने का काम, हर जगह कार्यकर्ता खड़े करने का काम किया है, तो मैंने आज इसीलिए फॉर्म भरा है। कार्यकर्ताओं के आग्रह पर, बूथ के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर, आदिवासी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर, सभी सामान्य वर्ग के भी जिनका वर्चस्व है वो कार्यकर्ताओं के आग्रह पर, इन लोगों का जो टिकट लेके आए हैं उनका तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से विरोध में ही काम किया। 2018 में कांग्रेस में डला है, मैंने बोला है आपको, और निर्दलीय खड़े करे, रिट पिटीशन खड़ी करे, बहुत संघर्ष किया। अरे अभी हाल ही में जनपद के चुनाव में निर्दलीय खड़े करे, उमरबन की जनपद में 3 वोटों को लेकर के जो उम्मीदवार है उनके ही परिवार के लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर टाइप करके बहुत न्यूसेंस खड़े करे, फिर भी हमने भारतीय जनता पार्टी की जनपद बनाई उमरबन की। तो ऐसे लोगों को बाहर करने की बजाय, कार्रवाई करने की बजाय उनको थाली सजा कर टिकट दे दिया गया, तो सभी कार्यकर्ताओं को पीड़ा है, दुख है। टिकट नहीं बदला तो आप क्या करोगे, निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? ये कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है, कार्यकर्ता कहेंगे कि लड़ना है। कार्यकर्ताओं की कुछ दिन पहले अभी मीटिंग थी, क्या निर्णय लिया गया, निर्दलीय उम्मीदवार बनोगे आप? कार्यकर्ताओं ने सब तय किया है, वो अभी तो मैंने फॉर्म भरा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार जो भी होगा वो मैं करूंगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मैंने बहुत पैसे खर्च करके नगर पालिका बनाई, मैंने पैसे खर्च करके यहाँ पर जनपद बनाई, यहाँ पे हर कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता को और जयस को तोड़ तोड़ के मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का प्रयास किया, और आज मुझे टिकट नहीं दिया गया, ये बहुत बहुत अच्छा नहीं किया। और वो लोग जो कांग्रेस में वोट डलवाए 2018 में मुट्ठी भर लोग, उनको टिकट दिया गया, जो निर्दलीय खड़े हुए उनको दिया, अभी हाल ही में जनपद में निर्दलीय खड़े करे उनको टिकट दिया, तो कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करेगा? भारतीय जनता पार्टी का एक भी बूथ का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो। यहाँ पर भाजपा नहीं जीत पाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि एक एक बूथ का कार्यकर्ता, वर्चस्व वाला कार्यकर्ता, आदिवासी कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, सभी पूरी ताकत के साथ जुड़े हुए